जी वर्तमान जी सानू गाने दे विच सुनन की कुछ मिल सकदा। देखो जी असीं तां इक गाना ही लिखिया पर कईआं दा पछड़ा लफड़े वांगू। आप सभी उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। गाड़ी देख के तो भाई पहचान गए होंगे किसकी है ये। इंट्रोडक्शन तो जरूरत नहीं है भाई इस गाड़ी को, क्योंकि जिस भाई की गाड़ी है वो बहुत ही शौकी है और बाकी आपको गाड़ी देख के पता चल रहा होगा क्या क्या है इस गाड़ी में, सब इस बारे में बात करते हैं। भाई के पास पहले सिविक की वीडियो बनाई थी हमने, अब इसकी बना रहे हैं। एग्जॉस्ट भी देखो कुछ भाई ने अलग ही लगवा रखा है। देखो इन सब के बारे में बात करेंगे, भाई ने कैसे कैसे कितने कितने की ली और क्या क्या इसमें काम करवाया। ये सब बनाते हुए भाई को दिक्कत भी बहुत आई थी, वीडियो पर हमने देखा था। मिलाते हैं अपने संजीत भाई को। कैसे हो भाई? भाई साहब राम राम, क्या हालचाल भाई? लक्ष्य बढ़िया भाई, आप कैसे? बढ़िया। तो भाई जो भी अपनी यूट्यूब फैमिली है, देखो भाई एक बार फिर कहूंगा सरते, पिछली बार भी सरते वीडियो दी थी, फिर पूरी डिटेल से बताऊंगे जिप्सी के बारे में। अगर सारा शो हो गया, क्योंकि जिप्सी एक ऐसी बहुत रेयर चीज़ है, लेकिन जैसे भाई मेहनत कर रहे हैं हम, पूरी खुली किताब से बताऊंगे पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीज़ दुनिया और यूट्यूबर के ढाला ना आके मेरी पॉजिटिव बता दी, नेगेटिव ना बता, मैं खुली किताब ढाला बताऊंगा भाई के चैनल पे। तो जितना हो सका भाई देखो लाइक करो, शेयर करो, फैमिली में अपने जो आप वीडियो शेयर भी कर सको और यार दोस्तों में करो, स्वाद आओ। बाकी तुमने भाई ये आपने कब ली, कितने की ली और इसका ही प्लान क्यों बना? थार भी है इसमें, अपनी पुरानी वाली थार भी है। प्लान का भाई देख यो है कि मेरे चाचा द्वारा 2014 मॉडल थी थार, बिमरा हमने मॉडिफाई करवाई थी पूरी जिंदगी, तो बात ही 14 मॉडल फिर मैंने जो लेनी थी तो उसके बच्चे से 1.5 साल तो वो मैंने 4.5-5 लाख में मिल भी जाती है, तो उसमें काम हो रहा था। फिर मैं कहीं इतना जैसे दिल्ली NCR में डीजल की वजह से दिक्कत हो रही है, फिर मैंने वनू कैंसिल करनी पड़ेगी। दूसरा पर्पज इसका लेने का यो था भाई जिप्सी का, क्योंकि आप रोड पे देखोगे चढ़ बैठ जाइए कोई से भी हाईवे जाकर तो ये एक ही मिलेगी, कहीं नहीं मिले, कहीं ना मिले भाई। ये बात बिल्कुल नहीं मिलेगी, बिल्कुल सही बोली है। ऐसी चीज के जो रोड पर आप ही आप लेकर चलो, कोई दूसरा कोई ना हो, तो जैसी भी हो है आपने मेरा ये डिस्कंटिन्यू भी होगी। तो वैसे मैंने इसमें कई चीज ऐसी दिक्कत भी दे है कि इसमें आप कितना ये आप करवा ले भिक्टर पानी जाए इसके, तो इसमें ना एक प्लग मैं आपको दिखाऊंगा, वो प्लग सा लगा रहा है उस पर पानी पड़ जाए ना, फ्यूल पंप का स्विच रहा है वो, तो प्रेस स्टार्ट ना आपसे कितने सेल्फ मुझे मतलब बताई भी बता देते आप, तो वो ये इसमें वो लफड़ा है फिर वो ये पानी सूखने का वेट करो। दूसरा ये है कि इसमें आप भाई एसी नहीं आता कंपनी से, आप भारत एसी लगवाओगे, एसी भारत लगवाओगे तो इसकी बैटरी बहुत छोटी है, फिर आपने बैटरी अपग्रेड करनी पड़ेगी, बैटरी अपग्रेड कर दी, अल्टरनेटर इसका छोटा है, वो आपने अल्टरनेटर बड़ा लगवाना, वो चार्ज नहीं कर पाएगा। हाँ तो कई चीज मतलब स्टार्टिंग में लेकर आया था तो ऐसी भीतर से फील आई थी कि मैं इतना कबाड़ी ले लिया तो लेकर फंस गया, लेकिन जैसे जैसे आप धीरे धीरे आप जिप्सी चलाओगे हाथ आपका बैठ जाएगा, फिर जैसा सवाल भी ना। मायापुरी से ली थी भाई? हाँ जो मैंने मायापुरी तैयार करवाई थी भाई, 2 साल अपने दौरेशन कंप्लीट हो लिए हैं, 4,35,000 रुपए की मैंने यो ली थी, उसके बाद में 85,000 रुपए मैंने इसके ऊपर लगाए थे, जैसे कि ये लाइट आप देख रहे हो ये चेंज करवाई है मैंने कंपनी, मतलब करो उस जो मैं पूरी आई थी कभी रद्दड़ लाइट आए बेकार उल्टा में लगाया हैलोजन वाली, वो वैसी लाइट थी ये मैंने लगवाई थी जो अपने थारपुर में भी लग जाते 12-15,000 रुपए की मैंने लाइट लगवाई थी। उसके बाद आप ये वाली जो लाइट देख रहे हो ये दीघा आपने छोटी रही है लेकिन लाइट बॉडी का जगह है, इसमें आपकी है कि पीली भी कर सको धुंध में, और वैसे अगर आप मैच करें तो आप सफेद भी। थ्रो कैसा है इसका? इनका बहुत बढ़िया, मैं तो दूर तक प्रोजेक्टर टाइप के भाई ये लगे छोटी है लेकिन दूर तक आपने विजिबिलिटी वगैरह है। ये जो टायर आप देख रहे हो ये पाचू ये 4,35,000 रुपये में है। अच्छा 4,35 में एसी 4,35 में अच्छा, पावर स्टेयरिंग भी ना 23 में वो भी 4,35 में अच्छा ठीक है, और बाकी सेंट्रल लॉक मैंने भारत लगवाया था ये लाइट होगी, और ये बम्पर वगैरह भाई आपने अलग से लगवाया था? ये भी 4,35 में उसमें ही था, ये भी साइलेंसर लगवाया था अलग था, बाकी आप यो देख रहे हो स्नॉर्कल यो भी उसी 4,35 वर्किंग है, ये वर्किंग है वर्किंग। इसका राज बताओ भाई ये क्या लगवा रखा है इतना मोटा है? सुन ले क्योंकि मैंने इसका पहले मैं जरा सफारी थी ऊंची, और उससे पहले मैंने सदा लंबी गाड़ी रखी है होंडा कोड सिविक स्टीम एसेंट और अकोड की मैं बताई थी, एक आधी और भी होगी ओप्ट्रा एक आधी और भी, तो मैं लंबी चलाई करता हूँ इतनी गाड़ी थी मेरी सारी पेट्रोल में थी, तो मेरा शौक है कि आप मेरी गाड़ी देख ले मोटरसाइकिल देख ली मेरी सबके साइलेंसर आपने चेंज मिलेंगे। ये मेरे ख्याल सिविक में भी ऐसे लग रहा था, ऐसा ही था ना, बहुत बढ़िया हमारी करती थी। इसका कि इतना मोटा लगवाने का राज यू है जिप्सी का बहुत ही छोटा सा इंजन है 1300 cc इंजन है, तो इसमें अगर हम पतली वो लगवाओ तो
इतनी पैनी आवाज आ रही है, पैनी आवाज आएगी, कर दे वो इसमें आपने पूरी भारी आवाज नो लग दूर से बना के चल रहा है। तो लॉन्ग ट्रिप करो तो इससे ऐसा नहीं लगता कानों में दर्द या सब भाई, मतलब यो मैंने इसी मारी इंजन लगवाया कि आप परेंज जैसे आप चलाओगे आवाज इसकी परेंज आए इधर को जा, दिक्कत कहां करेगी जैसे पहाड़ आगे और इसी साइड का पहाड़ है फिर डबल आवाज हो जाए, ये अप टनल वगैरह हम जाओ तो डबल आवाज हो जाए, थोड़ा इरिटेट करे अगर ऐसे रोड पर अगर आप चल रहे तो कोई दिक्कत ना, मनाली में जाते रहो पुलिस वाले दिक्कत ना करते, एचपी नंबर है यार तो वहां के सोचे गाड़ी का लोकल है, तो हम गए भी थे तो हमारी जितनी भी गाड़ी गई थी कम से कम दो तीन स्कॉर्पियो थी, थार थी एक दो देखी थी, सबके चलान कटे थे, इसका ना कटे जेट का भी, ये दो साल हो गए इसका वहाँ एचपी में देख लेके यार देखा है तो छोड़ देने का, ना नंबर प्लेट लगा रखी है ऐसे, वो नंबर प्लेट भी आई सिक्योरिटी की के आप लगा भी लोगे फिर मैं करूँ ऑफरोडिंग अलग तरीके, हाँ वो निकल जा निकल के चली जाए, मैंने टेप लगवा के तो अभी कल परसों करी भी थी नंबर ऑफरोडिंग, हाँ बहुत बढ़िया ऑफरोडिंग के मामले भाई, मैं खुली चैलेंज करूँ चाहे भाई फॉर्च्यूनर लिया, जीप रूबी कौन लिया, इंडिवर लिया, पानी किचड़ की जहाँ बात होगी कोई हरा नहीं बता दिए, क्योंकि रेत में आकर कोई चढ़ने की बात है फिर वे जीत जाएंगी, कहीं किचड़ भी चढ़ मगर वैसे कूदानी है तो फिर इसका 4x4 कैसा भाई रेस्पॉन्स 4x4 का, 4x4 की भाई अगर इसकी खासियत ही हुई है हल्की आया भी निकट जाए, दिक्कत वो है कि इसमें जैसे अगर यो टायर हवा में हो गया ठीक है, अगला टायर मान ले हवा में हो गया, अब परले में चाहिए चाल थार थूर की है कि सेंस कर ले वो टायर को पावर दे दे, लेकिन इसमें क्या है कि जो फ्री है ना सारा वो घूमने का वो नहीं घूमता जिसमें जरूरत है, तो ये नुकसान है, आप इसने मंदी नहीं लेके जा सकते, आप खींच के ही लेके जानी पड़ेगी, बाकी पीछे भाई एक बात है पहाड़ों पर रेस्पॉन्स कैसा है इसका भाई, पहाड़ भाई स्टार्टिंग में मैंने आपको जैसे बताई थी कि 30-40 किलोमीटर में आपने थोड़ा महसूस होगा कि दाब मान लिया या हो रहा है, लेकिन 40 किलोमीटर बाद टार्जन इंजन आ जाए भाई हो जाए भागी फिर कोई दिक्कत ना, लद्दाख ले जाने का प्लान भाई, लद्दाख का मेरा पूरा प्लान था, 4 तारीख जो आज आप रिकॉर्ड कर रहे हो इसने, लेकिन जैसे अभी बारिश पड़ रही है आपने देख रहे हैं मौसम उस हिसाब से वहाँ हो रहा है खराब, तो अभी सेफ नहीं है जाना, मनाली तक चले ना सेफ ना तो मरना होगा तो मैं आगे मर जाऊँ, मेरी थोड़ी अलग सोच है भाई, वहाँ जाकर कहते नहीं जाने देंगे आगे फिर क्या करोगे, फायदा नहीं होगा दिमाग खराब हो जाएगा, तो अभी थोड़ा होल्ड मार रखा है, इसमें चितकुल वगैरह मनाली लग में लेकर जा रहे हैं, क्या माइलेज दे दे भाई फिर ये भाई, देखो इसने मैं मनाली तक ले गया तो मेरे आने जाने में 14,000 रुपए का तेल पी की थी, 14,000 का हाँ, और अगर आप तरीके से चलाओगे तो वही है कि 12 के आसपास आपने एवरेज दे देगी, एक गिट्टी पार रखेगा तो 8 की होगी फिर मुंह, मतलब वही है कि स्कॉर्पियो से एक टंकी फालतू ले रही है, स्कॉर्पियो थोड़ी फालतू, और भाई पीछे का क्या रिस्पॉन्स है इसका, ये इसका यू है भाई, इसमें सामान मान रख के जाओ बारिश हो रही जैसा, जब जैसे मान लेता ना सारा सामान ले गया तू, लेकिन भीतर का ना कैबिन छोटा लग रहा होगा, लेकिन जैसे हम लेके तू पूरे एक महीने का सामान लेके जाएगा तो वो तो पॉसिबल ना है, लेकिन तेरा बैग हो गया तेरे 4-5 गोसे हो गए जैसे हम कभी दे रही है तो वो आप भीतर रख सको, इसमें ऐसी दिक्कत ना है, मैन जैसा कोई मटेरियल है जो खराब ना उसको ना पड़े रहने दे बात, कोई दिक्कत नहीं, ये चीज है, ये देख ले मैं गोसे भर कर ले आया था, सीमेंट मैं ले आऊं हमारा घर बनने लग गया, बहुत काम आ रही है, ड्रम लेके जाने पड़े हैं, और बंद अच्छी भी नहीं लगती जिप्सी है? जो बंद करवा ले वो जिप्सी जिप्सी सी ना लगती वो, ये दो पाइप यहाँ लगेंगे छोटे छोटे से यार, चैन का होगा 6,000-7,000 रुपए खर्चा था वो टोटल, फिर मैं भाई मैं ना लगा फिर ऐसी लुक ना हो, फिर भाई इसमें एक अलग भी मतलब जैसे चलो वीडियो है रेडबुल पीने बहुत मजा आओ, मतलब पीछे एक बार अंदर से देखते हैं भाई, बाकी लाइट वगैरह सब वर्किंग है जितनी भाई इसकी पूरी वर्किंग थी, तो जैसे मैं इसमें चला हूं ओली थोड़ी देखो परली वाली टूट रही है, क्योंकि आप मंदी ना चलाए करो भाई, कुदा तो यो भाई हुक बहुत काम का इसका यो, अगर कोई भाई ले तो यो जरूर लगवाना चाहिए भाई, मतलब वो ये 4x4 के लगी पहचान हो जाए इससे, तो यो चीज है एक बार अंदर आ जाओ भाई, सीट तो चेंज दिखे हैं ये भाई, इसमें लगवा रखी सिर्फ डिजायर की, डिजायर की जो स्टीम की आई करती बहुत छोटी आई करती इसकी सीट ये है, लेकिन थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाए, लेकिन उतनी एक लाइन भी ना होती जितनी होनी चाहिए भाई, मजा आवे तो कंफर्टेबल सी है, ये आपका एसी का हो गया भाई ठीक है ना, अच्छा अभी हालांकि इसका चल नहीं रहा, जो पानी पूनी बढ़ जाए इसमें कितना होता पानी आ जाए, देखो आप मैट भी देख रहे हो आले हो रहे हो, देखो आप अपना मैट देखो, जिप्सी में बताऊं ना इसके अंदर पानी आता रहे, मैं वही तो कह रहा था गाड़ी में भाई से बीमा का, सारी गाड़ी एक तरफ और इसका जो खर्चा दे रहा आदमी वो एक तरफ, भाई जिप्सी हर आदमी ना रख सके, मैं वही कह रहा था, बात कर रहा था मैं, अच्छा यो एक लग ही जाए इसमें, अगर आप यो भीज जाएगी ना आपकी तो जो फ्यूल पंप नहीं पहुंचाएगा इंजन में तेल पहुंचा खराब हो जाए तो तेल ही नहीं पहुंचा फिर स्टार्ट कहां तो होगी, तो ये वाला फटा रहा है इसमें, बाकी एसी इसके ये दो ब्लोअर तो बहुत बड़े काम करे, ये बहुत हड़का काम कर, तो ये जो पंखे लगवाने का मकसद ही होता कि जैसे यहाँ का हवा आई ये थोड़ी तेज ठंडा कर दे दो, कोई छोटा सा केबिन है चिल्ड मार दे, ये दिक्कत ना होती, हाँ बिल्कुल, तो भाई यो चीज है, बाकी ये आपके 4x4 का हो गया, पीछे अगर आप देखोगे तो यो बूफर लगवा के है, और एक मिनट जा भाई, यो एक इसका एम्प लग रहा है 4 चैनल का, 4 चैनल का इसका, आपके ये वाले स्पीकर ये टूटर और दो ये नीचे यहाँ स्पीकर लग रहे हैं, इसमें दिख नहीं रहे होंगे लेकिन यहाँ है, दिख गए इस तरह चल रहे हैं ये,
परले वाले एक और आपकी सीट के पीछे एक और एम पे। अच्छा हाँ, तो वो चला रहे अपने बूफर भाई। अच्छा अच्छा, तो कैसा रिस्पॉन्स है भाई? क्या कहते सुना दू, तो सुनियो भाई एक बार, एक बार एग्जॉस्ट नोट और सुनाऊंगा आपको। हाँ हाँ, पंखे भी सही है भाई, बढ़िया हवा फेंक रहे हैं। तो एक पे दो वोल्टेज हो जाए तो बढ़िया जुगाड़ है भाई, तो सही आवाज आ रहा है इसमें। तो ये भी सोनी का ही लगवा रखा है ना? सोनी का आउटपुट बढ़िया है, सोनी का भाई यो रियल में, आप जेन्युइन बात है, जो बढ़िया है इसका बढ़िया भाई। वैसे तो कंफर्टेबल है, मजा आता होगा यार इससे जाने में तो ट्रिप भाई। मतलब थोड़ा दुख जिसी में कमानी है, शोकर तो है कौन है, थोड़ा दुखी तो कर दिए। भाई छोटा केविन बढ़िया आवाज फेंक रहा है। तो अरे ये कई बार इतना इरिटेट कर दे, मैं इसने 15 जैसे तीन चार पांच गाने सुन लिए ना, जैसे बाहर उतरेगा कान में, वो ही ना छोटा केविन है, इतने सारे स्पीकर लग रहे हैं तो हो ही जा। बाकी तो भाई ने सब ये उसने करके दी थी ना, ये सब कुछ उन्हीं 4,35,000 रुपए है भाई। चलो भाई, मतलब खुश हो इससे भाई पूरे। देखो 4,35,000 रुपए की ली, एचपी नंबर है, वहीं का रजिस्ट्रेशन है, तो अपने दिल्ली एनसीआर में या 2 साल और चलेगी, 2 साल चली, फिर हमने करना है कि हम जाएंगे इसने मनाली लेके, अगर हमने बेचनी है तो, लेकिन इसने बेचो नहीं क्योंकि कई करना बेच कर खड़ी रहेगी अपने। लेकिन इसने मनाली साइड जाओगे तो वहां या पूरे 15 साल के साथ रजिस्टर्ड है एचपी के हिसाब से, तो वहां या फिर भी 11 साल और चलेगी, समझ रहे तू? तो वहां से 2.5-3 लाख में जिप्सी ना जब ठा लेंगे मनाली में, आपने देखे जिप्सी ज्यादा ये तो बना रखे तो ठा लेंगे बहुत आराम से, जबी की जबी इसने 2.5-3 लाख रुपए, 1-1.5 लाख रुपए में अगर आपने 3-4 साल सवाद ले लिए, किस तरह पैसा टूटा? कुछ भी नहीं। बाकी रोड पे ले गली तो दुनिया अलग देखे ही है, लाभ है क्या फील है ये चीज है भाई। चलो भाई बढ़िया गाड़ी भाई, बहुत मजा आया। साइलेंसर रिकॉर्ड सुना देता हूँ आपको एक बार, फिर उसी नोट पे वीडियो करेंगे खत्म। ये भाई का कस्टमाइज साइलेंसर है खुद का, सारा जुगाड़ हो गया। पर ये मजा पेट्रोल में ही है, पेट्रोल डीजल इंजन फिर जिप्सी ले रहे। तो भाई ऐसी कुछ वीडियो थी, कैसे लगे आपको बताना जरूर, मजा आया भाई की वीडियो बना के। बाकी ये लाइट चल रही है ऊपर वाली, ये भी चलो सही है रात को। हाँ भाई दिख गई, बढ़िया लग रही है ये, इस पर जिप्सी पे थार पे बढ़िया लगे हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो भाई बताना जरूर। एक चीज और बता दूं भाई, मैं इसकी नेगेटिव के जैसे आप एसी वेसी लगवा लोगे ना, इसमें पंखा भी रहे जो ठंडा करेगा ना इंजन को, वो भी आपने बड़ा लगवाना पड़ेगा। जब भी आपका एसी इसमें सक्सेसफुल होगा ना, गाड़ी मार जाएगी आपकी हीट, ऑफ रोडिंग करो तो अपनी एसी इसका आपने बंद होना है जब आप इसका ऑफ रोडिंग। तो पहाड़ों पे एसी बंद करके चढ़ाओ या चालू करके? पहाड़ा में तो इतना दम ना इसमें, आप इसके पहाड़ा में जाए ऐसे ठंडी रहे, आप थोड़ी सी से खोल लो तो थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं आपने एडजस्ट करना पड़ता वही है। लेकिन अगर जैसे आपने जैसलमेर जाना है खूब एसी चला फिर कोई दिक्कत नहीं। चलो बाकी तो सर्विस तो वही 3-4 हजार रुपए में पड़ती होगी। मैं सुन ले जो तेरे हिसाब से क्या रुपए का होगा ये? होगा भाई 200-300-400 रुपए का, तो 80 रुपए का यो। मारुति का टूट रहा जैसे इसका, मारुति का पार्ट बहुत ये 800 रुपए का भरे ये यो दोनों साइड का 800 रुपए। बताओ भाई वही है भाई जिप्सी लेके पूरे खुश है, वही है जो ले, पर वही है थोड़ी वही है कि थोड़ा पेशेंस चाहिए आदमी को जो ले। ओल्ड स्कूल है ना, अपना सब्र रखना पड़ेगा। पहली पहली बार आप चलाओगे रियल में आप गाड़ी भगाओगे जुगाड़ दे ली, मेरे खुद मन में यो थी जैसे मेरे मायापुर तो लेके आया था स्टेयरिंग नू, कई भाई नू क्या बदलवा ले, छोटा लगवा ले, पावर विंडो लगवा ले। चलो मैंने पावर विंडो लगवा लिया, शिफ्ट का मैंने वो लगवा दिया स्टेयरिंग, फिर ओल्ड स्कूल क्या रहेगी? फिर जिप्सी किस बात की रहेगी? जिप्सी किसी की हो तो जिप्सी है तो अपना जो मेन काम है वो है।
चलो भाई बहुत मजा आया भाई की वीडियो बना के गाड़ी की, कैसे ले आपको बताना जरूर। बाकी मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, चैनल सब्सक्राइब कर देना।